भारतीय जनता पार्टी एक सफेद हाथी है, इसके खाने के दांत और हैं, दिखाने के और दांत हैं। धरातल पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने वोट तो अति पिछड़ों की चाहिए 35%, लेकिन हक अधिकार की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी ने न तो इन जातियों को निगम बोर्डों में चेयरमैन नहीं दी और ना ही नई विधायकी दी गई। जो राहुल गांधी जी ने भाई जाति आधारित जनगणना की बात करी है, पॉलिटिकल कोटे की बात करी है, आबादी के अनुपात से देश के संसाधनों में हिस्सेदारी देने की बात करी है, तो इसमें हमारी वैसे तो हरियाणा में नोया दसों की दसों सीट जीतनी थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। टेक तो लेट बटी और कैंडिडेटों को चुनाव प्रचार करने का थोड़ा मौका मिला। दूसरी बात, आज इस देश में सामाजिक न्याय की बात है, एक ही आदमी है इस देश में, अगर जो हमारे पुरखा ने किन बताएं तो सामाजिक न्याय, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी थे, राम मनोहर लोहिया जी थे, और आज बीपी सिंह जी थे, अर्जुन सिंह जी थे, जो लोग सामाजिक न्याय के, राम मनोहर लोहिया जी थे, जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, आज हकीकत में कोई देश में सामाजिक न्याय करना चाहता है तो माननीय राहुल गांधी जी करना चाहते हैं। और उसकी नीतियों पर हरियाणा में जो 5 सीट जीती हैं, किसी इंडिविजुअल नेता के बलबूते पर सीट नहीं जीती गई, ये तो सारी राहुल गांधी की नीतियों पर चुनाव जीता गया है, इसमें किसी नेता का कोई योगदान नहीं है। और प्रदेश की जनता और देश की जनता आज राहुल गांधी को के जो सामाजिक न्याय है उसकी तरफ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी एक सफेद हाथी है, इसके खाने के दांत और हैं, दिखाने के और दांत हैं। धरातल पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जैसे सामाजिक न्याय की बात है, आज 65 भारतीय जनता पार्टी बांट चुकी है, उसमें जो कमजोर पिछड़े हैं उनको केवल एक ही टिकट दी है, गंगवा जी को, जो पहले विधायक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वोट तो अति पिछड़ों की चाहिए 35%, लेकिन हक अधिकार की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी ने न तो इन जातियों को निगम बोर्डों में चेयरमैन नहीं दी और ना ही नई विधायकी दी गई, ना इनके जो अधिकारी लगे नहीं दे रही है ना, कोई हिस्सेदारी नहीं दी। हमारे लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये भाई हमने ओबीसी मोर्चे का ये बना दिया, ये हमने ओबीसी मोर्चे का वो बना दिया, तो ये जो ओबीसी मोर्चा बना रखा है ये कमजोर पिछड़ी जातियों के लिए एक न्यू समझिए नरक का जीवन है। तो हम आज जो कांग्रेस में लेटेस्ट विधानसभा का चुनाव है, हम राहुल गांधी से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो सतानीय मोदी जी से उम्मीद नहीं करेंगे, मोदी से कोई उम्मीद नहीं, ओबीसी का प्रधानमंत्री मोदी ने जाति आधारित जनगणना नहीं कराई और कमजोर पिछड़ी जातियों को पॉलिटिकल कोटा लागू नहीं कराया, देश के संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं दी, ये तो मोदी तो एक मुखोटा है और असली तो आरएसएस है। अरे आरएसएस ने कह तो दिया जाति जनगणना हो, जाति जनगणना इनका अभी आरएसएस ने कहा ना, भारतीय जनता आरएसएस देश की मालिक है, देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी मालिक है, आज भारतीय जनता पार्टी मालिक है, आरएसएस क्या है, क्या आरएसएस एक विचारधारा है, कोई विचारधारा नहीं आरएसएस की, धर्म और जाति के नाम पर दंगे भड़कवाने की विचारधारा है। जाइए 10 साल से इनकी सरकार है, केंद्र में भी है राज्य में भी है, क्यों नहीं करा, इनके हाथ पकड़ रहा था कोई, 9 साल तक क्रिमिनलेयर का काला कानून हमारे ऊपर थोप पा रहा, केंद्र सरकार का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 9 साल तक हमारे लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, क्रिमिनलेयर लगा के हमारे बच्चे लाखों बच्चों का जीवन अंधेरे में चला गया। तो इसीलिए तो वर्गीकरण की बात की गई, वही क्रिमिनलेयर और नॉन क्रिमिनलेयर से जो लोग मलाई खाते रहे हैं सदियों से, वर्गीकरण कहाँ कर दिया, ये तो कांग्रेस के समय में हुआ था हरियाणा में वर्गीकरण, जो जी रोनी आयोग रिपोर्ट है, जो 2017 में मैडम जी रोनी आयोग बैठाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, आज तक श्रेणी विभाजन की रिपोर्ट लागू नहीं की है ना, कि वर्गीकरण करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको कहा ना, शेड्यूल कास्ट को कहा ना, कमजोर पिछड़ी जातियों के लिए क्या करा, जी रोनी आयोग की रिपोर्ट आज तक नहीं लागू करी, और नीट में उन्होंने हमारे लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, जब हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, जब नीट में ओबीसी के बच्चों को उसका बेनिफिट मिला, जब सरकार ने दबाव मांगे ने नीट में कोटा लागू कराया,